जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जयराम महतो की पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है। यह लिस्ट कल गुरुवार को जारी की गई थी, जिसमें 14 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। जयराम महतो की पार्टी ने एक हफ्ते पहले पहली लिस्ट में 6 उम्मीदवार उतारे थे और दूसरी लिस्ट के अनुसार पार्टी ने रांची के अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित मांडर सीट पर गुना भगत को प्रत्याशी बनाया है। धनबाद जिले की टुंडी सीट पर मोतीलाल महतो, गिरिडीह जिले की धनबाद सीट पर राजदेश रतन, इसी जिले की गांडे सीट पर अखिल अख्तर, कोंडरमा जिले की सदर सीट पर मनोज यादव, हजारीबाग की बरही सीट पर कृष्णा यादव, बरकट्टा में महेंद्र मंडल, हजारीबाग सदर सीट पर उदय मेहता, डाल्टनगंज सदर सीट पर अनिकेत मेहता, गोंडा सदर सीट पर परिमल ठाकुर, धनबाद सदर सीट पर सपन कुमार मोदक, कोल्हान प्रमंडल के खरसावा सीट पर पांडुराम, धनबाद जिले की सिंदरी सीट पर उषा देवी और बोकारो सीट पर सरोज कुमारी को प्रत्याशी बनाया गया है। आरक्षित सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर पार्टी की तरफ से प्रत्याशी OBC या अल्पसंख्यक कैटेगरी से आते हैं। पार्टी ने अब तक कुल 20 उम्मीदवार घोषित किए हैं। पहली लिस्ट में 6 उम्मीदवार उतारे थे और दूसरी लिस्ट में 14 उम्मीदवारों को उतारा गया है। 20 उम्मीदवारों में से 4 महिलाएं शामिल हैं। जयराम महतो ने कहा है कि अगले 3-4 दिनों में 30 से ज़्यादा अन्य सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। इस पार्टी ने इस साल के लोकसभा चुनाव में राज्य की 14 में से 8 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। इनमें 6 सीटों पर इसके उम्मीदवार तीसरे स्थान पर रहे थे। कुल मिलाकर पार्टी को लगभग 8,50,000 वोट मिले थे। JLKM पार्टी को हाल में भारत निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक पार्टी के तौर पर मान्यता दी है और यह पार्टी बिना गठबंधन के अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी। थैंक यू।